हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिल चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल हे कॉमर्स। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक टॉपिक का, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड से और रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पेंशन। जी हाँ, सेक्शन 10-10A के अंदर आप लोगों ने पेंशन के बारे में देखा। तो आज हम विद द वेरी शॉर्ट चार्ट, जी हाँ बहुत ही शॉर्ट तरीके में आज हम देखने वाले हैं कि कितना पेंशन एग्जम्प्ट होगा, कितना पेंशन टैक्सेबल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन, कब कब पेंशन मिलेगा तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ हम तीन केस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द सर्विस, अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है तो क्या कर देंगे हम, टैक्सेबल कर देंगे। ओके, सेकेंड केस ऑन द रिटायरमेंट, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लास्ट केस देखते हैं, आफ्टर द डेथ। ओहो, कोई इम्प्लॉई है जिसका कि डेथ हो गया, उसके बाद उसको पेंशन मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल तो होगा, बट कहाँ टैक्सेबल होगा, IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इट मीन्स अगर कोई आदमी है जिसका कि डेथ हो चुका है और उसके बाद उसको पेंशन मिल रहा है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज एन फैमिली पेंशन। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो चलिए अब जो है मुद्दे की बात, ऑन रिटायरमेंट, अगर किसी आदमी को पेंशन मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो दो केस हो सकता है, या तो वो अनकम्यूटेड पेंशन है या फिर वो कम्यूटेड पेंशन है। अगर हम बात करें अनकम्यूटेड पेंशन की तो वो एक तरह से मंथली बेसिस पे, नॉर्मल पेंशन को हम बोल सकते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, जो कि मंथली मिलता है, तो इस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल टू ऑल, या तो वो गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है। इट मीन्स अगर किसी आदमी को अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो इससे मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट है या फिर वो नॉन गवर्नमेंट है, सभी के आदमी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अभी तक हमने कितने केस देख लिए हैं, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ टैक्सेबल इन IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज एन फैमिली पेंशन, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल टू ऑल, सभी के हाथ में टैक्सेबल होगा, या तो वो गवर्नमेंट है या फिर वो नॉन गवर्नमेंट है। ओके, अब आते हैं इस केस पर, कम्यूटेड पेंशन जो कि लमसम मिलता है, जो आप लोग सुने होंगे कि कोई एक एम्प्लॉय था जिसने अपना पेंशन को कम्यूट करवा लिया तो वो क्या करता है, वो लमसम पेंशन ले लेता है। और ये हम डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। आप लोगों को मैं नीचे नोट्स बताऊंगा, यहाँ देखिए नोट्स होगा, कम्यूटेड पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट। इट मीन्स अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो उसके केस में कम्यूटेड पेंशन क्या हो जाता है, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ तो हमने दोनों के केस में बात किया था, बट हम कम्यूटेड पेंशन के टाइम में हम बस बात करें नॉन गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट होगा तो आप लोगों को फुल्ली एग्जम्प्ट कर देना है। ओके, अब फिर इसमें दो केस आएगा, कम्यूटेड पेंशन, नॉन गवर्नमेंट, दो केस, ऑल्सो रिसिप्ट इन ग्रेचुटी, नॉट रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी भी मिल रहा है तो क्या होगा, और ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तो देखते हैं। अगर ग्रेचुटी मिल रहा है तो एक्चुअल जो भी आपका मिला है उसको आप ले लो, उसमें से आप एग्जम्पशन कितना लोगे, तो एग्जम्पशन लोगे 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। ओके, अगर कम्यूटेड है नॉन गवर्नमेंट का, ऑल्सो रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी हो रहा है, तो आपको एक्चुअल ले लेना है, इसमें से आपको माइनस एग्जम्पशन कितना लेना है, तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हम सिंपली देख ले, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन लेके हमको क्या करना है, लेस कर देना है, और अगर नॉट रिसिप्ट इन ग्रेचुटी हो रहा है हमको एक्चुअल लेना है, और 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, मतलब फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का कितना लेना है, 1/2 लेना है, ये हमको लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फुल वैल्यू ऑफ पेंशन क्या होता है, तो जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, जितना आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो लेना है, और आप कितना परसेंटेज कम्यूट किए वो लेना है, तो ये जो आपको फिगर आएगा वो आपका होगा फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, जिसको कि आपको यहाँ और यहाँ यूज़ करना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाता हूँ जिसमें कि मैं एक चार्ट के हेल्प से बहुत ही शॉर्टकट में सारा मैं टॉपिक का डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, बाय, थैंक यू।